अक्टूबर निर्णायक दिन, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन सबसे बड़ी जीत होगी लोकतंत्र की। अक्टूबर को सबसे पहले चुनाव के नतीजे लेकर हम होंगे आपके साथ। जेके खबर नाओ सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, आपका स्वागत है जेके खबर नाओ में, और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। चलिए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। हीरानगर में दशहरे का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया गया। इस उपलक्ष्य पर हजारों की संख्या में लोगों ने इस पर्व में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि रामलीला हीरानगर की तरफ से हीरानगर के दशहरा ग्राउंड में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ रावण दहन किया गया। इस उपलक्ष्य पर आसपास के गांव और हीरानगर के पूरे शहर के लोग उपस्थित हुए और बहुत ही श्रद्धा और सौहार्द से दशहरा मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर बोलते हुए हीरानगर रामलीला क्लब के प्रधान संजय शर्मा ने सभी लोगों को उनके अभूतपूर्व सहयोग के लिए धन्यवाद किया। शक्तिपुंज एनजीओ ने भी कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए कलाकारों को पुरस्कृत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हीरानगर। शहीद कमल किशोर की अंतिम विदाई में उमराव जान सैलाब। आपको बता दें कि कल कश्मीर के फतेह कदल में हुई मुठभेड़ के दौरान कमल किशोर ने अपनी जान की आहुति दे दी थी। आज उनकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव और पूरा शहर बंद रहा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी आकर सलामी दी। रियासी से रोमेश कुमार की रिपोर्ट। आज के इस मौके पर सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि कमल किशोर, जो हमारे अजीज और इस देश के सपूत, अपने देश की खातिर अब शहीद हुए हैं, परमपिता परमात्मा अपने चरणों में जगह दे। ये खबर कल सुनने को मिली, तमाम रियासी वासी गांव में डूब गए। बहुत बड़ा हादसा था ये। एक नौजवान जो कमल किशोर रियासी का, जो के वतन के लिए, मिलिटेंसी के सफाया के लिए जिसका अहम योगदान था। द ब्रेव सोल्जर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस मिस्टर किशोर कुमार, हु थ्रॉट एन अटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट दोस अटैक्ड इन श्रीनगर। मिस्टर कमल किशोर, ए ब्रेव सोल्जर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, बिफोर अटेनिंग द मार्टिडम हैव न्यूट्रलाइज ऑल द थ्री पाकिस्तानी टेररिस्ट दोस अटैक्ड इन श्रीनगर। होल ऑफ द कंट्री, होल नेशन सल्यूट द ब्रेवरी एंड द नेशनलिज्म डायनामिज्म। भड्डू की रामलीला अपने चरम पर है। भड्डू रामलीला में रावण साधु के भेष में आते हैं और सीता का हरण कर लेते हैं। कैमरामैन चेतन के साथ बिलावर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर श्री रघुनाथ मंदिर में चल रही श्रीमद देवी भागवत कथा साध्वी सुश्री भद्रा भारती के वचनों द्वारा सुनाई जा रही थी। नगर वासियों ने नवरात्रि में श्रीमद देवी भागवत कथा सुनकर विशेष पुण्य का लाभ लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे तहसीलदार कटरा सुनील शर्मा द्वारा और नवरात्रा महोत्सव कमेटी के सदस्यों द्वारा साध्वी भद्रा भारती जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और कमेटी के सदस्यों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। जिला विकास आयुक्त डॉक्टर शामिम अहमद वानी ने जिले के सभी 6 क्षेत्रों में शांति और पवित्रता की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। बैठक में ACR, CPO, DSP मुख्यालय, DYAS, DYSSO और DYSS कुलगाम के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कुलगाम से प्यास जमाल भट्ट की रिपोर्ट। जिला पुलिस लाइन श्रीनगर द्वारा शहीद कमल किशोर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें, फतेह कदल में हुई मुठभेड़ के दौरान कमल किशोर शहीद हो गए थे। श्रीनगर से आकाश मलिक की रिपोर्ट। करण नगर बस्ती में जो ट्यूबवेल है, वहां पर पति देवी की भैंस की बिजली के तार के साथ लगने से मृत्यु हो गई। उसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए गांव के ही लोगों ने इकट्ठा होकर कुछ धनराशि, 10,000 रुपए उन्हें दे दी और बिजली बोर्ड के कुछ लोगों ने 15,000 तक धनराशि लेकर उन्हें मुआवजे के तौर पर दी। ये दुर्घटना के समय वहां पर काफी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर आई विपत्ति का समाधान करते हुए उन्हें धनराशि दिलवाई।
मुआवजे के तौर पर गरीब परिवार को 25,000 की धनराशि की सहायता मिली। करण नगर से अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। बिलावर के भीनी पुल पर बिलावर पुलिस स्टेशन के SHO विजय शर्मा की अगुवाई में एक नाका लगाकर चेकिंग की गई, जिसमें एक आदमी से जिसका नाम तीर्थराम सन ऑफ रसल चंद को 55 बोतल शराब के साथ पकड़ा गया, जो कि पल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। बिलावर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। गगवाल दशहरा ग्राउंड में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम देखने को मिले। गगवाल में रामलीला के मेंबर दशहरे की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। गगवाल से अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। गधेरा और मालगुरिया महाजन बिरधारी जलंधर का वार्षिक मेला काशीपुर बिलावर में आयोजित किया गया। इस मेले में दूर दूर से भक्तों ने माँ का आशीर्वाद लिया। कैमरामैन चेतन के साथ दीपक शर्मा की रिपोर्ट। आरएसपुरा में महाराजा रणवीर सिंह महाकेसरी दंगल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगरोट के नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक देवेंद्र सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जबकि आरएसपुरा विधायक गगन भगत, पूर्व मंत्री आरएस चीफ चौधरी गारू राम, दंगल कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर करण भगत और कई लोग मौजूद रहे। दंगल में पहलवानों ने अपना जौहर दिखाया। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। रामनवमी के मौके पर गीता भवन रामेश्वर धाम आरएसपुरा में विशेष कंजक पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वामी प्रकाशनंद जी महाराज द्वारा कंजक पूजन किया गया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र वासियों को रामनवमी की मुबारकबाद भी दी। इस अवसर पर बलविंदर कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। आरएसपुरा में ये पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और आज रामनवमी है, आज नवरात्रों की समाप्ति है। नवरात्रों में विशेष माता जी का पूजन होता है और माता जी शक्ति का प्रतीक है। आज पुंछ में SSEM द्वारा सर सैयद दिन GDC सुरनकोट में मनाया गया। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए JK खबर नाओ। आप हमारा फेसबुक पेज JK खबर नाओ भी लाइक कर सकते हैं और अगर आपकी कोई न्यूज है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फोटो और नाम के साथ हमें भेज सकते हैं।